स्मृति। आज स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस हम किसे कहते हैं? एक महान पुरुष, प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके तन में स्वयं ज्ञान सागर निराकार परमात्मा ने प्रवेश करके सभी को संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया और राजयोग सिखाया। 33 साल की गहन तपस्या के बाद 18 जनवरी सन 1969 में उन्होंने इस नश्वर देह का त्याग किया। स्वेच्छा से, बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति में, बिना कोई कष्ट भोगते हुए, बिना किसी से कोई सेवा लेते हुए, सहज भाव से, जैसे वस्त्र उतारा जाता है, देह रूपी वस्त्र को उतार दिया और वे चले गए सूक्ष्म लोक में, फरिश्तों की दुनिया में, अपने संपूर्ण स्वरूप में। उनके द्वारा तब से और अब तक भी निराकार शिव, जिसको लोग ब्रह्म भी कह देते हैं, वे अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं। उनका जीवन बहुत ही महान था। केवल उन्होंने तपस्या ही नहीं की थी, अपने को सद्गुणों से, सर्वगुणों से और संपूर्ण शक्तियों से भरपूर किया था। उन्होंने देह का त्याग किया। इस दिन को हम अव्यक्त दिवस भी कहते हैं और हम सभी ब्रह्मावत्स इस दिन को पूर्ण योग युक्त होकर परमात्मा स्मृतियों में मनाते हैं। स्मृति दिवस भी कहते हैं क्योंकि इस दिन ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ को सामने रखते हुए हम अनेक स्मृतियों में रहते हैं। हमें अनेक सुंदर बातें याद रहती हैं जिससे हमारी स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है। उनके लिए ये भी हम कह सकते हैं, वे अंत तक संपूर्ण नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप बन गए थे। मैं भी उनसे मिला 1968 में। जैसे ही उनके कक्ष में मैं पहुंचा, वहां एक गहन शांति थी। मैं बाबा के सामने बैठा, हम अलग अलग मिलते थे। बाबा ने दृष्टि मुझे दी और ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण था कि उन्होंने मुझे बॉडी लेस कर दिया। मैं डीप साइलेंस में आ गया, जिसको सन्यासी लोग कहते हैं, समाधिस्थ कर दिया। एक मग्न अवस्था हो गई, चित्त शांत हो गया, मैं उन्हें देखता ही रह गया। बाबा ने मेरे से कुछ कुछ पूछा भी, मैंने उत्तर भी दिया, लेकिन मेरी एक मग्न अवस्था थी। मैंने उन्हें देखा, वे महान तपस्वी के साथ बहुत ज्यादा निरहंकारी भी थे, सर्वस्व समर्पित करने वाले, एक यज्ञ के धर्म पिता होते हुए, बहुत महान आत्मा होते हुए, बड़े बड़े कार्य करते हुए, अहंकार सूक्ष्म मैपन उनको छू भी नहीं पाया था। हम सदा उनके मुख से सुनते थे, अब भी उनके अनुभव सुनते हैं। सदैव उनके मुख पर एक ही बात रहती थी, करण करावन हार निराकार शिव बाबा सब कुछ करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ, मुझे जो कुछ मिला है वो सब ईश्वरीय देन है, प्रभु प्रसाद है। इस निरंकारी स्थिति ने उनको बहुत निर्मल, बहुत शीतल, बहुत सरल बना दिया था। याद रखेंगे, जैसी स्मृति होती है वैसी हमारी मनोस्थिति बन जाती है। तुम संपूर्ण निर्विकारी और सर्वगुण संपन्न देवता थे, हमें स्मृति रखनी है, पुनः हमें देवता बनना है, तो अपना भविष्य स्वरूप हमें अपनी स्मृति में रखना है। इससे क्या होगा कि भविष्य के सारे ही सुंदर संस्कार हमारे वर्तमान जीवन में आने लगेंगे। दूसरी स्मृति रखनी है कि स्वयं वरदाता भगवान ने हमें वरदान दे दिया है, संपूर्ण पवित्र भाव, तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इससे हमारी प्योरिटी के संस्कार जागृत हो जाएंगे
और तीसरी हमें स्मृति रखनी है, सर्वशक्तिवान ने अपनी शक्तियां हमें प्रदान कर दी है। जैसे हमने कहा हम तुम्हारे बच्चे हैं, उन्होंने सिर पर हाथ रखकर हमें सारी शक्तियां दे दी हैं, तो मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे हमारा भय समाप्त हो जाएगा, हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे, अपने पर अपने मन पर सहज कंट्रोल कर सकेंगे। तो इस वरदानी दिवस पर हम ब्रह्मा बाबा के जीवन से बहुत श्रेष्ठ प्रेरणाएं लेते हुए अपनी संपूर्णता की यात्रा पर बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ें। आज पुनः हम उनको अपने श्रद्धा सुमन बहुत स्नेह और सम्मान से अर्पित करते हैं। ओम शांति।